रिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्डाइज डेट पर बेस्ड है। देखिए, कूड डेथ रेट और स्टैंडर्डाइज डेट रेट दोनों ही हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई किया था, तो अगर आपको थ्योरी पार्ट इन दोनों के थ्योरी पार्ट में कन्फ्यूजन है तो आप पहले हमारे वो वीडियो में रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बताया, कंप्यूट द कूड एंड द स्टैंडर्डाइज डेट रेट ऑफ टू पॉपुलेशन ए एंड बी रिगार्डिंग ए एज ए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक ना, हमारे ये क्वेश्चन में दो डेट रेट निकालना है, एक है कूड डेट रेट निकालना है और स्टैंडर्डाइज डेट रेट निकालना है। हम दो निकाल रहे हैं तो पहले हम एक एक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम स्टैंडर्डाइज डेट रेट को निकालते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्डाइज डेट रेट कैसे निकालते हैं, देखिए तो देखिए पहले हम कूड डेट रेट को निकालेंगे। देखिए, कूड डेट रेट का डेफिनेशन देखिए, टोटल नंबर ऑफ डेट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले आप टोटल जो है ना उसको निकाल लीजिए। देखिए, टोटल निकालेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें पॉपुलेशन ऑफ ए जो सिटी है उसका मिल जाएगा। तो देखिए, आप इसको जोड़ लीजिए, तो देखिए आपको क्या मिला, 122,000। ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन ऑफ ए। ठीक है, अभी डेट निकाले, डेट को अभी सम कर देंगे हम। देखिए, डेट कितना है, 3640। अभी पॉपुलेशन बी को हम देखेंगे, पॉपुलेशन बी निकालेंगे हम। तो देखिए, पॉपुलेशन हमने इसका भी पॉपुलेशन जो है ना वो निकाल दिया। ठीक है, अभी डेट निकाल लीजिए आप। तो देखिए, हमारा इतना काम तो हो गया, अभी हमें क्या करना है, हमें डेट कूड डेट निकालते हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं, देखिए डी ए मतलब डेथ इन पॉपुलेशन ए बाय डी पी ए इंटू 1000। देखिए, यूजुअली के बैठता है, के मतलब एक कांस्टेंट, हम यहाँ पर 1000 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम के जो है ना वो 1000 ले रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, वैल्यू हो गया 3640 बाय 122,000 इंटू 1000। ठीक है, तो देखिए 3640 बाय 122,000 इंटू 1000। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 29.83 पर 1000। ठीक है, ये हो गया आपका कूड डेट रेट और पॉपुलेशन ए। अभी हमें निकालना है कूड डेथ रेट और पॉपुलेशन बी निकालना है। ठीक है, देखिए यहां पर भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन ऑफ डी बी, डी बी मतलब डेथ इन पॉपुलेशन बी बाय समेशन ऑफ पी बी इंटू 1000। तो यहां पर भी आ जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3349 बाय 122,000 इंटू 1000। ठीक है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो आपको मिल गया 27.45 पर 1000। ठीक है, पर 1000 हो गया। अभी आप देखेंगे हम कि, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है वो निकल गया है। अभी हमें निकालना है स्टैंडर्डाइज डेट रेट। देखिए, स्टैंडर्डाइज डेट रेट क्या है, पहले हम उसका थोड़ा सा आपको बताते हैं। स्टैंडर्डाइज डेट रेट में असल में हम कूड डेट रेट और स्पेसिफिक डेट रेट के जो ड्रॉबैक्स है उनको हम टैकल करते हैं कि क्या ड्रॉबैक थे। जैसे कूड डेट में जो डेट का रिस्क है ना वो सभी मतलब पॉपुलेशन पे इक्वल नहीं होता। जैसे ओल्ड एज और जो यंग एज है
एकदम यंग चाइल्ड है उन पर जो डेथ रेट डेट का जो चांस रिस्क है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द यंग वन, तो उस चीज़ को कुछ डेटेड इग्नोर करता है। और वैसे स्पेसिफिक जो डेथ रेट है उसमें भी जो कमियां है कि वो एक रीज़न के साथ दूसरे रीज़न को कंपेयर नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए स्टैंडर्डाइज डेटेड है। और यहाँ पे जो है ना स्टैंडर्डाइज डेटेड का हम डायरेक्ट जो मेथड है उसे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया हुआ है। अभी देखिए कि इसके लिए हम फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज डेटेड है वो असल में मॉडिफाई क्रूड डेटेड है, तो मॉडिफाई क्रूड डेटेड में यहाँ पे जो होता है वो होता है कि वेटेड। हम यहाँ पे वेटेड क्रूड डेटेड को देखिए, वेटेड क्रूड डेटेड कैसा आता है अगर आप देखेंगे तो वेटेड क्रूड डेटेड आता है एम एक्स पी एक्स बाय समेशन पी एक्स। स्टैंडर्डाइज देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन अगर ए होगा तो हम यहाँ पे इसका क्रूड डेटेड क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए ए ए, जहाँ पे एम एक्स जो है ना वो असल में स्पेसिफिक डेटेड से आता है, ठीक है ना। और पी एक्स ए मतलब पॉपुलेशन, यहाँ पर भी पॉपुलेशन, पर यहाँ पे जो हम स्टैंडर्डाइज डेटेड में स्टैंडर्डाइज डेटेड में डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को यहाँ पे बैठा देते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जैसे क्रूड डेटेड का फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं वेटेड क्रूड डेटेड, तो इसको हम मॉडिफाई करके हम स्टैंडर्ड डेटेड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ए है यहाँ पे एस आ जाता है, मतलब पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो है ना उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये हो जाता है फॉर्मूला आपका स्टैंडर्डाइज डेटेड का। अभी देखिए स्टैंडर्डाइज डेटेड का ये फॉर्मूला है, ये असल में मॉडिफाइड क्रूड डेटेड है जो आपने बता दिया। अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ए है, तो अगर ए स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हो गया आपका, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे एस और ए का मतलब सेम है, तो पॉपुलेशन ए के लिए जो क्रूड डेटेड है वही स्टैंडर्ड डेटेड, मतलब वही स्टैंडर्डाइज डेटेड है आपका। तो यहाँ पे आप लिखिए फॉर पॉपुलेशन ए, फॉर पॉपुलेशन ए क्रूड डेथ रेट इक्वल टू स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। इक्वल टू आप लिख दीजिए 29.83 पर थाउजेंड, ठीक है, क्योंकि वो पर थाउजेंड में इतना हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्रूड डेटेड और मतलब स्टैंडर्डाइज और क्रूड डेटेड सेम है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हम कंसीडर करें। तो देखिए यहाँ पे जो एम एक्स ए है ए स्पेसिफिक डेटेड है, ए स्पेसिफिक डेटेड, तो इसको हमें निकालना है बी के लिए, क्योंकि उसके साथ हमें बाद में पॉपुलेशन ऑफ ए इंटू करना है। देखिए हमारे जो ये टेबल है इसमें जगह नहीं है, तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एम एक्स बी निकालेंगे। देखिए एम एक्स बी कैसे निकालते हैं, एम एक्स बी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो डेट है जैसे डेट बाय पॉपुलेशन, ठीक है, इंटू थाउजेंड, तो यहाँ पे आ गया आपका 31, ठीक है। देखिए ये असल में टेबल के इस तरफ होना चाहिए, राइट की तरफ, बस हमारे पास स्पेस कम है तो आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा, पर आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए आपको जो मैथ प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगा। तो ये 31 हो गया आपका, तो इसके बाद देखिए 30,000 नहीं, इसके बाद हम इसको ऐसे करके निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए हमने आपके लिए स्पेसिफिक डेटेड जो है ना फॉर पॉपुलेशन बी निकाल दिया, देखिए ठीक है। और यहाँ पे ना आप एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस पॉपुलेशन ए इज कंसीडर्ड एज
स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। देखिए अगर ये चीज नहीं होता तो ये जो है ना जो आपने आंसर डायरेक्टली लिख दिया वो आप नहीं लिख सकते थे। तो देखिए हमने स्पेसिफिक डेटा निकाल दिया है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज डेटेड का हम निकालते हैं फॉर बी। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम एक्स बी पी एक्स ए, ए क्यों लिखा हमने क्योंकि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ए है आपका, बाय समेशन पी एक्स ए। ठीक है तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 इंटू 20,000 प्लस 22 इंटू 12,000 26 इंटू 50,000 35 इंटू 30,000 60 इंटू 10,000 बाय, आपको पॉपुलेशन ऑफ ए तो पहले हमने निकाल के रखा था 1,22,000। ठीक है तो ये आंसर हो गया। देखिए अभी इनको हम सॉल्व करेंगे और आपको हम निकाल देंगे। देखिए तो देखिए हमारा आंसर क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया है 31.42 पर थाउजेंड। ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट फॉर पॉपुलेशन बी। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में कुड डेथ रेट और स्टैंडर्डाइज डेथ रेट दोनों को हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, हमने इसकी थ्योरी पर भी वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसे लोग आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जब बनेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।